बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौत पर सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस मामले पर बिहार में एक बार फिर से खूब सियासत हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और शराबबंदी कानून को लेकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार जी अपने अहंकार में हैं, इनको समझ ही भी नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इनके साथ थे, उस समय भी इनको कहते थे, विधानसभा में भी इनको बोले हैं कि आपका ये शराब नीति है ये गलत है, इसको आप कम से कम गुजरात का जो शराब नीति है उस तर्क पर अप्लाई कीजिए और उससे आपको आमदनी भी होगी और आज गरीब जो विषैला शराब का सेवन से मर जा रहे हैं वो नहीं मरेंगे, इसलिए कि विषैला शराब इसलिए बनती है कि चोरी छुपे लोग बनाते हैं, 2 घंटा में लोग बना देते हैं।